फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डोरमेट डिजाइन शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने 3 कलर की ऊन ली है और ये 8 नंबर की मैंने सिलाई ली है और 2 कलियां मैंने बना ली है। और यहाँ से जैसे मैंने डिजाइन शुरू किया था वैसे ही मैं यहाँ से आपको डिजाइन बनाना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ सिलाई में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 फंदे डाले हैं। फंदे डालने के बाद फ्रेंड, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया था वैसे ही यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि उल्टी साइड से हमें डिजाइन शुरू करना है। तो फंदे डालने के बाद उल्टी साइड से ही हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो पहले एक फंदा बिना बुने उतारा और ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे क्रीम कलर से बनाए, जिस कलर से फंदे डालने हैं। फिर यहाँ सेकंड कलर लगाना है और सेकंड कलर से 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे सेकंड कलर से बनाए। फर्स्ट कलर से हमने 12 फंदे बनाए, फिर सेकंड कलर से 6 फंदे और 2 फंदे यहीं छोड़ देने और यहीं से वापस इस सिलाई को पलट लेना है। और उल्टी सीधी साइड है, 6 फंदे जो हमारे सेकंड कलर वाले हैं उन्हें 6 कलर को एक फंदा उतारा, ये 2, 3, 4, 5, 6 फंदे इस कलर से बनाए। फिर धागे को पीछे किया, फर्स्ट कलर को आगे लाके 12 फंदे बुन देने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इस फंदे को सीधा बुनना है। सीधी सिलाई में इस फंदे को हर बार सीधा बुनना है। फिर उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदे क्रीम कलर से उल्टे बनाए और 2 फंदे हम फिर इस कलर से, बैंगनी कलर है हमारा ये पर्पल कलर, इससे 2 फंदे हम बना लेंगे और बाकी के 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे के सेकंड कलर से 2 फंदे यहाँ छोड़ देने। 2 फंदे हम इधर ले रहे हैं तो 2 फंदे हम यहाँ छोड़ भी रहे हैं, तो हमारे पास ये 6 ही फंदे रह रहे हैं, इन्हें हमें 6 ही फंदे रखना है। तो 2 फंदे हमने इधर बढ़ाए, 2 फंदे इधर छोड़े और यहीं से वापस मुड़ जाना है। और इस सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं हर बार उसी कलर से बुन के कम्प्लीट करना है। तो मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ। फिर आ जाइए उल्टी सिलाई में, एक फंदा उतारा, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। फिर यहाँ सेकंड कलर लगाया और सेकंड कलर से ये 2 फंदे बुन देने, 1, 2 4 फंदे हम यहाँ से लेंगे, हमें 6 फंदे इस कलर के बनाने, 2, 3, 4, 5, 6 फिर 2 फंदे यहाँ छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट लेंगे और इस सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कम्प्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इस सेकंड कलर से हमने 2 बार 2 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हमें यहाँ तीसरा कलर लगाना है। तो हमारे पास ये 2, 4, 6, 8 फंदे क्रीम कलर के हैं, तो यहाँ से हमें अब तीसरा कलर लगाना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे क्रीम कलर से बनाने, अब 2 फंदे हम इधर इधर लेते जा रहे हैं। तो यहाँ हम तीसरा कलर लगाएंगे, मेरा रेड कलर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस कलर से भी हमें 6 ही फंदे रखने हैं और फिर 2 फंदे यहाँ छोड़ दिए।
तो यहाँ हमारे दो चार छह फंदे इस कलर के छूट गए हैं, दो चार छह इस कलर के हमारे बच्चे हैं। तो सीधी सिलाई में हर बार जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बनाने हैं, और उल्टी सिलाई में हमें इधर दो दो फंदे लेते जाना है और यहाँ दो दो फंदे छोड़ते जाना है। तो मैं ये दो दो फंदे इधर लेते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ और यहाँ से दो दो फंदे छोड़ते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, दो दो फंदे इधर लेते हुए मैंने यहाँ तक सारे फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। दो चार छः आठ दस बारह चौदह फंदे दो दो करके इधर छोड़ लिए। तो हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः फंदे बचे। अब हमें क्या करना है, ये आधी कली हमारी यहाँ बन गई है, जैसे यहाँ बनाई है। अब यहाँ सारे फंदे हमें फर्स्ट कलर से बनाने हैं, तो मैं क्रीम कलर से सारे फंदे उल्टे बना देने हैं। आपका जो भी फर्स्ट कलर है उससे सारी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल पर और भी बहुत अच्छे अच्छे डोरमेट के डिज़ाइन हैं, आप वहाँ जाकर उन्हें सीख सकते हैं। ये सिलाई मैंने उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है, सीधी साइड है, इस सिलाई को भी पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो सिलाइयाँ मैंने उल्टी बुन के कंप्लीट कर ली है। उल्टी सिलाई में हमें फिर रेड कलर लगाना है, और रेड कलर से जैसे हमने यहाँ छः फंदे हमारे छूट गए थे, वही छः फंदे हमें यहाँ रेड कलर से बनाने हैं। एक दो तीन चार पाँच छः, और यहीं से फिर वापस पलट जाएंगे और इन छः फंदों को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट के फंदे को सीधा बुनना है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसे हम इधर दो दो फंदे इधर लेते जा रहे थे तो हमारे क्रीम कलर के फंदे कम होते जा रहे थे, अब हमें क्रीम कलर के फंदे इधर लेते जाने हैं और ये फंदे हमारे इधर कम होते जाएंगे। तो यहाँ दो फंदे क्रीम कलर से बनाने हैं, एक और ये दो, और छह फंदे हमारे ये रेड कलर के होंगे। तो इन्हें एक दो तीन चार, तो दो फंदे हमारे यहाँ क्रीम कलर के हो गए, तो चार फंदे कम हो गए, तो दो फंदे यहाँ से बुनेंगे, पांच और ये छः, फिर यहीं से वापस पलट जाएंगे और इस सिलाई को उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे और लास्ट के फंदे को सीधा बुनना है। एक दो तीन चार पाँच छः फंदे हमारे रेड कलर के हैं और दो फंदे क्रीम कलर के हैं। एक फंदा उल्टा बुनना और ये वाला फंदा सीधा बुनना है। तो सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बुन के कंप्लीट करने हैं। फिर आ जाइए उल्टी साइड में, क्रीम कलर के दो फंदे थे, एक फंदा उतारा और एक उल्टा बुन लिया, फिर दो फंदे हम यहाँ से लेंगे, तो ये तीन और ये चार, तो दो दो फंदे हम इधर लेते रहेंगे रेड कलर के। फिर हम छः फंदे बनाएंगे, एक दो तीन चार, तो हमारे पास दो फंदे हमने क्रीम कलर से बना लिए, तो फिर चार फंदे बचे, तो दो फंदे यहाँ से लेने हैं, तो ये पाँच और ये छः फंदे हमारे रेड कलर के हो गए। फिर यहीं से वापस पलट के सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर उल्टी सिलाई में एक फंदा उतारा, दो तीन चार, और दो फंदे यहाँ से लेने हैं, पाँच और ये छः, फिर छः फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, फिर यहीं से वापस पलट जाएंगे और इस सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दो चार छः आठ, आठ फंदे दो दो करते हुए यहाँ तक हमने कंप्लीट किए रेड कलर से। तो वैसे ही दो चार छः और ये आठ, आठ फंदे हम यहाँ रेड कलर के कम करेंगे, तो एक फंदा ये उतारा,
ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब आठ फंदे हमारे पास ये क्रीम कलर के बचे हैं, तो यहाँ से हमें अब तीसरा कलर लगाना है। तो रेड कलर को यहीं छोड़ देंगे और ये हमारा थर्ड कलर है, इसको यहाँ इससे हम छह फंदे बनाएंगे। एक दो तीन चार, और दो फंदे यहाँ से लेंगे, दो फंदे हमने क्रीम कलर के बनाए तो दो फंदे यहाँ से लेंगे, पांच और ये छह, और यहीं से फिर वापस पलट जाएंगे और इस सिलाई को पूरा जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई में एक फंदा उतारा, ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ, और दो फंदे यहाँ से लिए, नौ, और ये 10 फंदे हम फर्स्ट कलर से बनाएंगे, फिर यहाँ तीसरा कलर लगाएंगे। एक दो तीन चार, चार फंदे यानी हमें 6 बनाना है, तो दो फंदे हम यहाँ से लेंगे, पाँच और ये 6, और यहीं से पलट के सीधी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब आती है फिर उल्टी सिलाई में, एक फंदा उतारा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10, दो फंदे यहाँ से लिए, 11 और ये 12। फिर यहाँ हमें ये कलर लगाना है, एक दो तीन चार, और दो फंदे यहाँ से लेंगे, पाँच और ये 6। तो 12 फंदे हमारे क्रीम कलर के हो गए, 6 फंदे ये और 2 फंदे ये बचे हैं, तो यहीं से वापस पलट जाएंगे इस सिलाई को जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड्स 12 फंदे हम दो दो फंदे इधर लेते हुए, यहाँ हमारे 12 फंदे हो गए हैं और 6 फंदे हमारे, एक दो तीन चार पाँच 6 फंदे इस कलर के हैं और 2 फंदे हमारे क्रीम कलर के हैं। तो अब हमें यहाँ पूरी सिलाई क्रीम कलर से उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेनी। एक फंदा उतारा और बाकी सारे फंदे फर्स्ट कलर से उल्टे बुन देंगे। अब जो ये 2 फंदे छूटे इन्हें इस सिलाई में हम क्रीम कलर से बुन लेंगे और सीधी साइड भी क्रीम कलर से उल्टी बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारी ये कली यहाँ कंप्लीट हो गई है। जैसे कली बनाई है मैंने वैसे ही बाकी की कली बनानी है, तो मैं एक बार फिर से ये कली शुरू करके बता देती हूँ। एक फंदा उतारा और ये दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 और 12। तो यहाँ मैंने फंदे डालने के बाद जैसे आपको यहाँ से कली शुरू करके बताई थी, तो यहाँ हमने पहले 12 फंदे फर्स्ट कलर से बनाए थे, फिर यहाँ हमने सेकंड कलर लगाना है और सेकंड कलर से एक दो तीन चार पाँच और ये 6 फंदे बनाने हैं और 2 फंदे यहीं छोड़ देने हैं और यहीं से वापस पलट जाना है और इस सिलाई को जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बुन के कंप्लीट करना है। तो जैसे फ्रेंड्स मैंने ये कली आपको बताई है, यहाँ से मैंने शुरू करके क्रीम कलर से फंदे डाले थे, उल्टी सिलाई से फिर हमने ये डिजाइन शुरू किया था, तो वैसे ही यहाँ 2 सिलाइयाँ क्रीम कलर से बना के फिर उल्टी सिलाई से हमने ये डिजाइन शुरू किया है। तो जैसे मैंने ये कली आपको बना के बताई है फ्रेंड्स, वैसे ही बाकी की कलियाँ बनानी हैं। तो फ्रेंड्स आप ये डोरमेट डिजाइन बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।